हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। किसी भी पुराने सिस्टम के अंदर स्पीड को बूस्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि आप उसे SSD से अपग्रेड कर दें। जी हाँ, क्योंकि SSD जो है वो नॉर्मल हार्ड ड्राइव के मुकाबले में 6 times फास्ट होती है। अगर आप इसे SATA 3 पोर्ट पर कनेक्ट करते हैं दोस्तों, तो 600 तक की आपको डेटा ट्रांसफर स्पीड दे सकती है। तो सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है कि आप अपने पुराने सिस्टम को SSD से अपग्रेड कर लें। लेकिन अगर आप उसे SSD से अपग्रेड करते हैं तो आपको विंडोज़ का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, ड्राइवर दोबारा से डालने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। और दोस्तों, कई बार हमें हमारे कंप्यूटर के अंदर ऐसी सेटिंग्स होती है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो हमें पता भी नहीं होता कि यार हमने क्या किया था उस सेटिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ऐसे में फ्रेश इंस्टॉलेशन करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है और हमारा काफ़ी टाइम इसके अंदर बर्बाद हो जाता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारी जो पुरानी विंडोज़ है उसी को हम SSD किसी भी नई SSD के अंदर ट्रांसफ़र कर सकें? दोस्तों, सॉल्यूशंस तो काफ़ी सारे अवेलेबल है, लेकिन उन सब के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि वो सभी पेड वर्जन है। तो क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन अवेलेबल है जो हमें फ्री के अंदर हमारी पुराने वाली हार्ड डिस्क की विंडोज़ को नई SSD के अंदर ट्रांसफ़र कर दे? दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने हैं तो बने रहिएगा। तो चलिए आज की टेक्नोलॉजी शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कंप्यूटर को असेंबल करने से पहले मेरे पास ये था मेरा पुराना i3, सेकेंड जनरेशन का i3 है। इसके अंदर अभी 8GB की रैम लगी हुई है और 500GB की हार्ड ड्राइव लगी हुई है और विंडोज़ 10 इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, विंडोज़ 10 का प्रो एडिशन। और अब इसे मैं SSD से अपग्रेड करना चाहता हूँ। अब प्रॉब्लम यही है कि मैं नहीं चाहता कि मुझे दोबारा से विंडोज़ डालनी पड़े, दोबारा से पूरे ड्राइवर डालने पड़े, और ना ही मैं सॉफ्टवेयर दोबारा से इंस्टॉल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पुरानी जो हार्ड ड्राइव के अंदर विंडोज़ है वो SSD इस SSD के अंदर मैं ट्रांसफ़र कर लूँ। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है हमें इस वाली SSD को इसके अंदर कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर मेरी प्राइमरी हार्ड ड्राइव अभी कनेक्टेड है, तो मुझे इस SSD को भी टेम्प्रेरी यहाँ पर कनेक्ट कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर SATA केबल से कनेक्ट कर देता हूँ। ये रही इसकी SATA केबल। ठीक है, और अब मुझे इसको पावर देनी होगी, तो ये रहा इसका पावर। ठीक है, तो अब हमारी SSD भी कनेक्टेड है और हमारी हार्ड ड्राइव भी कनेक्टेड है। तो चलिए अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इस कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। कोर i3 है, सेकेंड जनरेशन का है, 8GB की इसमें रैम लगी हुई है और ये विंडोज़ एक्टिवेटेड है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड विद ए डिजिटल लाइसेंस। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं माइग्रेट करूँ तो जो नई SSD के अंदर भी मुझे विंडोज़ मेरी एक्टिवेटेड ही मिलनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि प्रैक्टिकली के अंदर ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने SSD कनेक्ट की थी दोस्तों, वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो हमें यहाँ पर अभी इसे कुछ भी नहीं करना है, तो सिंपल है, मैं इसे यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। और कुछ सॉफ्टवेयर है जो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखे हैं, जैसे मोज़िला है, फायरफॉक्स है, VLC है, एडोब रीडर है, एनीडेस्क है दोस्तों, ये भी मुझे वापस मिल जाने चाहिए जब भी मैं इसे माइग्रेट करूँगा नई SSD के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आप जिस भी ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं आपको वो ब्राउज़र ओपन करना है। इस पर आपको गूगल ओपन कर लेना होगा। ठीक है, और यहां पर आपको सर्च करना होगा EasyUEFI और एंटर पे क्लिक करना होगा। EasyUEFI की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, आपको इसे ओपन करना है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको राइट हैंड साइड पे यूटिलिटी बटन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहां पर आपको ऑप्शन नजर आएगा डिस्क क्लोन का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो हेसिलियो डिस्क क्लोन वर्जन 2.2 लेटेस्ट एडिशन है और बेस्ट फ्री विंडोज माइग्रेशन एंड डिस्क पार्टीशन क्लोनिंग सॉफ्टवेयर, ये एब्सोल्युटली फ्री है। इसके लिए आपको एक रुपया भी खर्च नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड बटन नजर आएगा, इस सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जिस भी SSD का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, आप ये चेक कर लीजिए कि जो आपकी सी ड्राइव का पार्टीशन है उसके अंदर जितना डेटा स्टोर्ड है वो आपके SSD की कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास 140GB कंज्यूम हो रखा है आपके SSD के अंदर, तो आप 120GB के SSD के अंदर उसको माइग्रेट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको 240GB की SSD लेनी होगी। ठीक है, तो कुल मिला के यह है कि सी ड्राइव के अंदर जितना डेटा मौजूद है उससे ज़्यादा की ही आपको SSD यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये जो यूटिलिटी टूल हमने डाउनलोड किया है इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे ओपन करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दिखा रहा है विंडोज प्रोटेक्टेड योर PC और यहाँ पर इसे ये रन नहीं करने दे रहा है। तो सिंपल है, आपको मोर इन्फो पे आना होगा और यहाँ पर रन एनीवे पे क्लिक करना होगा।
इसके बाद इसका सेटअप विजार्ड ओपन हो जाता है। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपको इसे अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेना होगा। सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो चुका है तो अब हम इसे लॉन्च कर लेते हैं और ये जो बाकी की विंडोज़ है मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इस तरह से कुछ इसका विजार्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, सिस्टम क्लोन, डिस्क क्लोन एंड पार्टीशन क्लोन। तो हम यहाँ पर विंडोज का क्लोन बनाने जा रहे हैं, यानी कि सिस्टम क्लोन बनाने जा रहे हैं, तो हमें ये वाला ऑप्शन चूज करना होगा। अब देखिए दोस्तों, मेरी जो विंडोज़ है वो UEFI पार्टीशन के अंदर इंस्टॉल है, यानी कि मैंने GPT पार्टीशन स्टाइल के अंदर विंडोज 10 को इंस्टॉल कर रखी है और ये फुली GPT सपोर्ट करता है। अगर आपकी विंडोज 7 है, 8 है, 8.1 है या 10 है, GPT में है, MBR में है, ये तो सभी तरह के पार्टीशंस को माइग्रेट कर सकता है, क्लोन बना सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका सोर्स सेलेक्ट करना है, तो सोर्स इसने वैसे ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद ये आपसे डेस्टिनेशन पूछ रहा है, ठीक है, जहां पर आपको क्लोन बनाना है इसका। तो ये जो मेरी सेकेंडरी ड्राइव है, SSD ड्राइव है, ये मेरी क्लोनिंग के लिए डेस्टिनेशन है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूं और इसके बाद नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर टारगेट डिस्क लेआउट दिखा रहा है, जो हमारी हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल जिस फॉर्मेट में बना हुआ है सेम उसी फॉर्मेट के अंदर इसने हमारी नई SSD के पार्टीशन को कन्वर्ट कर दिया है। तो आपको इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, सिंपल है। इसके बाद आपको प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब ये टोटल एस्टिमेटेड टाइम आपका यहाँ पर कैलकुलेट करने लग जाता है और आपकी पुरानी हार्ड ड्राइव में से विंडोज़ के पार्टीशंस को और विंडोज़ की डायरेक्टरी को SSD के अंदर क्लोन करने लग जाता है। अब इस टोटल प्रोसेस के अंदर कितना टाइम लगने वाला है दोस्तों, ये आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है, आपकी हार्ड डिस्क की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है और साथ में SSD की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो पेशेंस रखिएगा और इस टास्क को कंप्लीट होने दीजिए। नीचे की तरफ आपको एक चेकबॉक्स देखने को मिल जाता है, शट डाउन द कंप्यूटर व्हेन द ऑपरेशन इज कंप्लीटेड। तो आप इसे चेकबॉक्स पे टिक कर सकते हैं ताकि जब भी ये काम कंप्लीट हो तो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाए। तो फिलहाल मैं इसे अनचेक कर देता हूँ। दोस्तों हमारी OS माइग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है और तकरीबन 10 मिनट का इसने टोटल टाइम कंज्यूम किया है टोटल विंडोज़ को SSD के अंदर ट्रांसफर करने के लिए। तो चलिए सिस्टम को कर देते हैं हम शट डाउन और हार्ड ड्राइव को करना पड़ेगा डिसकनेक्ट ताकि हम SSD से बूट कर सकें। तो ये है हमारी हार्ड ड्राइव, तो इसकी मैं सेटा केबल और पावर केबल दोनों ही डिसकनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारी सिर्फ SSD इसके अंदर कनेक्ट है, तो अब हम इसे बूट करके चेक कर लेते हैं कि जो माइग्रेशन हुआ है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस समय मैंने बूट कर लिया है SSD से और आप देख सकते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर मेरे इंस्टॉल थे वो एज इट इज मुझे यहाँ पर वापस मिल गए हैं। तो मैं एक बार आपको डिस्क मैनेजमेंट ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट में हम आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 120 GB की मैंने SSD कनेक्ट करी थी वो ही है यहाँ पर, और ये जो 14 GB का पार्टीशन हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा दिखा रहा था वो अभी भी मौजूद है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं हमारी विंडोज़ का डिजिटल लाइसेंस हमें वापस मिला है या नहीं मिला है। तो मैं यहाँ पर सेटिंग्स में आता हूँ, यहाँ पर अपडेट एंड सिक्योरिटी के अंदर मुझे क्लिक करना है और इसके बाद एक्टिवेशन टैब में हम आते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज इज एक्टिवेटेड विद डिजिटल लाइसेंस, यानी कि हमने हमारा डिजिटल लाइसेंस भी वापस पा लिया है। दोस्तों अभी तो सिर्फ विंडोज के माइग्रेशन का टास्क कंप्लीट हुआ है, अब सिचुएशन ये हो गई है कि अब विंडोज जो है वो आपके हार्ड ड्राइव में भी है और SSD के अंदर भी है। अगर आपने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो कभी भी विंडोज़ आपके हार्ड ड्राइव से बूट हो सकती है, कभी आपके SSD से बूट हो सकती है, कभी आपका PC स्लो चलेगा, कभी फास्ट चलेगा। तो आप सोचते रह जाएंगे यार प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारी हार्ड ड्राइव के अंदर विंडोज़ है उसे हम डिलीट कर दें। तो इसके लिए दिस PC में आना होगा, राइट क्लिक करके मैनेज के अंदर आते हैं हम। इसके बाद आपको ऑप्शन नजर आएगा डिस्क मैनेजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी जो SSD ड्राइव है और ये हमारी 500 GB की हार्ड ड्राइव है। इस समय जो विंडोज़ है ये जो सी पार्टीशन दिखा रहा है ये करंटली हम SSD से लॉगिन कर रखा है हमने, इसलिए SSD वाला पार्टीशन सी पार्टीशन है और लेकिन विंडोज़ जो है वो हमारी हार्ड ड्राइव में भी कनेक्ट है। तो इसको हमें यहाँ से पहले डिलीट करना होगा। तो डिलीट करने के लिए सिंपल है, आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा और इसके बाद यहाँ पर आप इसे फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्विक फॉर्मेट में कर देता हूँ इसे। तो ये जो विंडोज़ वाला पार्टीशन है जो हमारी हार्ड ड्राइव के अंदर है वो अब डिलीट हो गया है, ठीक है। तो एक बार दिस PC ओपन करके हम चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर है सी ड्राइव और ये जो हमारी डी ड्राइव है जिसके अंदर हमारा कुछ डेटा रखा हुआ है और ये एक नया पार्टीशन बन गया है जो पहले विंडोज वाला पार्टीशन था हार्ड ड्राइव के अंदर। तो इस तरह से आपका माइग्रेशन 100% कंप्लीट। तो दोस्तों इस जबरदस्त वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है या फिर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो बने रहिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी टेक्निकल टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिएगा, गुड बाय।